गाइस वेलकम टू वर्ल्ड और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट 2020 की ये समिट रिसेंटली कंक्लूड हुआ है वर्चुअली थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यहां पे आप देख पाएंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इंडियन पीएम रशियन प्रेसिडेंट पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और भी के लीडर्स पे आपको दिखेंगे, अगर यह पेंडेमिक आज के टाइम में ना फैला होता तो सारे लीडर्स इकट्ठा होते फिजिकली रशिया के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में और वहां पर ये समिट होता मगर फिर भी रशिया ओवरऑल फिजिकली समिट को होस्ट नहीं कर पाया वर्चुअली रशिया ने यह समिट को होस्ट किया है और इंडिया के लिए यह समिट खास इसलिए था क्योंकि ये तीसरा समिट है इंडिया का जहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है इन दस सी ओ क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान बने थे दो के 2017 में उससे पहले आप इंडिया को देखो तो 2005 से लेकर 2017 तक इंडिया एक ऑब्जर्वर था ऑफ सी ओ नाउ जिस तरीके से इंडिया एक ऑब्जर्वर था आज भी कई देश है जो ऑब्जर्वर है इस ग्रुप के और हो सकता है की इन द फ्यूचर आज से पांच छह साल बाद वो भी एक फुल फ्लेजेड मेंबर बन जाए ऑफ दिस ग्रुप तो क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये जो यहाँ पर कंट्रीज की लिस्ट है इनमें से वो कौन सा देश है जो एक ऑब्जर्वर मेंबर नहीं है ऑफ शेंगाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन है अफगानिस्तान ईरान मंगोलिया नॉर्थ कोरिया नीचे कॉमेंट सेक्शन में इसको अटेंड करो सही आंसर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वीडियो के एंड में तो अभी के लिए डिस्कस करते हैं एस सी ओ समिट दो हज़ार बीस को आई लॉट टू नो आई लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज बट बिफोर यू मैं आपको ये बता दूं कि आप अगर सीरियसली यूपीएससी की प्रेपरेशन करना चाहते हैं फॉर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू या बियॉन्ड तो परचेज करिए अन अकेडमी का यूपीएससी कोर्स वेबसाइट या ऐप पे जाइए क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं आइकॉनिक कोर्स आईकोनिक कोर्स में खासियत ये है सारे सब्जेक्ट्स कवर होते हैं ज्योग्रफी हिस्ट्री पॉलिटी एवरीथिंग थिंग इज थोरली कवर्ड और आपको मिलता है एक पर्सनल कोच मोटिवेशन गाइडेंस आंसर प्रैक्टिस स्टडी प्लानर आइकोनिक कोर्स बहुत इन डिमांड है ओपनली कहा कि इन द फ्यूचर इसके प्राइसेस ये बढ़ाएंगे तो जब तक ये सस्ता है जब तक इसके प्राइसेस कम है मैं आपको सजेस्ट करूंगा इन्वेस्ट इन दिस कोर्स और आपको यहाँ पर सिक्सटी पे करने की आवश्यकता है नहीं जस्ट यूज द कोड पीडी और आपको सीधा यहां पर ऑलमोस्ट सेवन थाउजेंड रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा सो यूज अड पी डी टेन सेव मनी एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी टू थाउजेंड ट्वेंटी वन फर्स्ट ऑफ ऑल कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसके हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे बेजिंग में जी हाँ इसका नाम वैसे शंगाई है मगर हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे बेजिंग में इंटरेस्टिंग बात आपको यह भी बता रहा हूं कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है द बैंक दैट वॉज कंस्ट्रक्टेड अंडर ब्रिक्स उसके हेडक्वार्टर है इन शंगाई सो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस अगर आप मेंबर स्टेट्स की बात करें मतलब जो फुल मेंबर्स हैं ऑफ एस उनकी लिस्ट आपके सामने है रिपब्लिक रिपब्लिक ऑफ ऑफ इंडिया कजाकिस्तान द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना द द किर्गिस रिपब्लिक रिपब्लिक इस्लामिक ऑफ पाकिस्तान रशियन फेडरेशन द रिपब्लिक ऑफ तजिकिस्तान और द रिपब्लिक ऑफ उजबेकिस्तान और पिछले एक साल में आप अगर देखें तो इंडिया की बहुत सारी प्रॉब्लम्स उभरी हैं विद इन एस सी विद चाइना और पाकिस्तान फॉर एग्जाम्पल आपको याद होगा कि कुछ ही महीने पहले जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स है एस कंट्रीज उनकी एक वर्चुअल मीटिंग हो रही थी और पाकिस्तान के जो एन एस है उन्होंने अपने पीछे जो वॉल थी वहां पर पाकिस्तान का न्यू मैप डाल दिया जहां पर पाकिस्तान क्लेम करता है जूनागढ़ को लद्दाख को बहुत सारे एरिया को इंडिया के सो इंडिया के एनएसए ने यहां पर यह कहा कि कोई भी देश अपना नक्शा इस तरीके से प्रमोट नहीं करता है एस में और सिंस पाकिस्तान ब्लेटेंटली अपना जो गलत मैप है ये पोर्ट्रे कर रहा है तो इंडिया इस मीटिंग से वॉकआउट कर रहा है और अजीत डोवाल ने

ऑल दोवर इंडिया ने जो ऑफिशियल रीजन दिया था वो ये था कि कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक फैला हुआ है सो वी डोंट वॉन्ट टू पार्टिसिपेट मगर जो रियल रीजन था ऑब्वियसली वो यही था कि चाइना के साथ काफी एंड वी डिड नॉट सोल्जर्स टू एक्सरसाइज विद चाइनीज सोल्जर्स तो लगातार एक के बाद एक एसियो कंट्रीज के साथ हमारे इश्यूज आ रहे हैं प्राइमरली आप कह सकते हैं चाइना और पाकिस्तान और इसकी वजह से दुनिया भर में जो जियो एनालिस्ट हैं जो ऑब्जर्वर्स हैं वो बहुत बार ऐसे आर्टिकल्स लिख चुके हैं जहां पे इनका मेन पॉइंट है कि इंडिया को फायदा क्या होता है एस में रहने से और ये यह बायदा एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इसका एक ही आंसर घूम फिर के आता है क्योंकि आप अगर देखें एस के अंडर कोई बैंक तो है नहीं ब्रिक्स के अंडर एटलीस्ट आप कह सकते हैं कि ब्रिक्स बैंक एग्जिस्ट करता है और वहां पे पाकिस्तान भी नहीं है तो उसके काफी एडवांटेजेस हैं मगर एस में दो देश हैं जिनके साथ इंडिया के टेरिटोरियल डिस्प्यूट हैं और रिलेशंस आज के समय काफी हद तक खराब हैं तो हम आज के समय क्यों बने हुए हैं एस में इसका देखो फिर एक ही आंसर सामने आता है सेंट्रल एशिया एस का आप अगर मैप देखो तो यहाँ पर ये जो आठ देश आते हैं इनमें से जो ये चार हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज कजाकिस्तान किर्गिज रिपब्लिक उज्बेकिस्तान तजिकिस्तान इनके साथ रिलेशन अगर मजबूत करने हैं तो एस इज वेरी इंपॉर्टेंट मगर ये वन हंड्रेड ट्रू है नहीं हाँ एस में फोकस ये लोग करते हैं काउंटर टेररिज्म पर और बहुत सारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज का यहाँ पे इंटरेस्ट है बिकॉज ऑफ दैट मगर इंडिया का जो मेन इंटरेस्ट है वो सेंट्रल एशिया की काउंटर टेररिज्म एबिलिटी में है नहीं हमारी टेररिज्म को लेकर और प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के साथ है इंडियन ओशन के आसपास है हमारा मेन इंटरेस्ट है सेंट्रल एशिया में माइनिंग को लेकर इकोनॉमिक इंटरेस्ट को लेकर जो हम काफी हद तक परस्यू कर सकते हैं इवन इफ वी आर नॉट पार्ट ऑफ एस फॉर एग्जाम्पल यूएसए है कई यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके बहुत ही अच्छे रिलेशन हैं बहुत ही अच्छे ट्रेड टाइज हैं विद कजाकिस्तान उजबेकिस्तान मगर वो एस के पार्ट है नहीं और काफी बार लोग ये भी डिस्कस करते हैं कि इन द फ्यूचर एस को चाइना बना देगा नेटो जैसा वेल well, पहली बात तो ऐसे करने की अभी कोई पॉसिबिलिटी है नहीं और अगर ऐसा होता भी है तो वो भी इंडियन इंटरेस्ट के खिलाफ है क्योंकि इंडिया आज के समय पार्टिसिपेट कर रहा है क्वाड में और बहुत ज्यादा डीप डिफेंस एंगेजमेंट कर चुका है विद यूएसए सो so, यहाँ पे मैं आपसे भी एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि क्या इंडिया का कुछ फायदा है डस इंडिया स्टैंड एनीथिंग टू गेन फ्रॉम दी एस सीओ अगर हम बात करें समिट दो के तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे ये क्लियर मैसेज भेजा इस समिट में कि इंडिया के बहुत ही डीप कल्चरल हिस्टोरिक टाइज है विदीओ कंट्रीज और बिल्कुल है ही चाइना के साथ जो हमारे टाइज है कई हजारों साल पुराने हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ जो टाइज हैं दे आर वेरी ओल्ड एज वेल मगर इंडिया ये मानता है कि अगर एस में कनेक्टिविटी इंप्रूव करनी है तो इम्पोर्टेंट ये है कि हम एक दूसरे की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है जो सॉगरिटी है इसको रिस्पेक्ट करें ये ऑब्वियसली एक क्लियर मैसेज था टुवर्ड्स चाइना जो आज के समय क्लेम कर रहा है लैंड इंडिया में भूटान में और कई और कंट्रीज में आगे पीएम मोदी ने एक इनडायरेक्ट रेफरेंस किया टर्ड्स पाकिस्तान और ये कहा कि काफी अनफॉर्चुनेट है कि कुछ लोग जो बायलैटरल इशू हैं बायलैटरल होता है कि दो कंट्रीज के बीच में आपस में जो इशूज होते हैं उन को उठा रहे हैं इस मल्टीलैटरल फोरम में जो एस के चार्टर के अगेंस्ट है और शांगाई स्पिरिट के भी अगेंस्ट है बाकी इंडिया ने सबके अलावा यह बताया कि इस पैंडमिक में इंडिया ने 150 कंट्रीज को मेडिसिन भेजी है हम वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं और ग्लोबली जब वैक्सीन मैन्युफैक्चर होगी तो उसमें इंडिया का रोल होगा इंडिया कॉपरेट करेगा ऐसी कंट्रीज के साथ बाकी पेंडेमिक से रिलेटेड काफी बातचीत हुई है मगर ये मेन क्रक्स था ऑफ पीएम मोदीज मैसेज नाउ इंडिया से अगर हम मूव करें रशिया और चाइना पर तो दोनों कंट्रीज के जो वर्ड्स थे ऑलमोस्ट सेम ही थे दोनों कंट्रीज ने आलोचना करी वेस्ट की प्राइमरली यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज की चाइना ने यहां पर दबे शब्दों में यह कहा कि कुछ देश हैं जो चाहते हैं कि वो यूनिटम इमोज करें वो गलत है और यहाँ पे बात कर रहे हैं यूएस की और फिर आगे ने ये भी कहा कि हमारी वैक्सीन रेडी है अगर किसी SEO कंट्री को हेल्प चाहिए तो वी आर ऑलवेज रेडी टू कोऑपरेट रशिया ने पर ये कहा कि जिस तरीके से यूएस और यूरोपियन कंट्रीज आज के समय इंटरवेंशन कर रही है बेलारूस में बेलारूस बाय द वे कंट्री है रशिया के नेबरहुड में और पुतिन के लॉन्ग टर्म प्लान ये हैं कि बेलारूस और रशिया मर्ज होकर एक सिंगल कंट्री बन जाए मगर यूरोप के बहुत सारे जो कंट्रीज हैं वो चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो इस बात को लेकर रशिया और चाइना दोनों ने यूरोप और यूएसए की आलोचना करी इस समिट में फिर आगे अगर हम बात करें पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की तो इन्होंने बात करी कोविड 19 की और इकोनॉमिक असिस्टेंस की मगर इंडिया को टारगेट करते हुए पाकिस्तान ने कहा कि किसी भी कंट्री को इलीगल और यूनिलाटरल एक्शन नहीं लेने चाहिए और इसको हम अपोज करते हैं ये जो यूनिलाट्रल एक्शन है ये यहाँ पे बात कर रहे हैं कश्मीर की पाकिस्तान ने जब भी कश्मीर इशू का बात किया है रिगार्डिंग आर्टिकल 370 और आर्टिकल थर्टी ए तो पाकिस्तान और चाइना ने हर बार ये कहा है कि इंडिया के जो एक्शन हैं ये यूनिलाटरल हैं और पाकिस्तान तो ये भी कहता है कि ये एक्शन इलिगल है और बाद वे चाइना तो ये भी कह चुका है कि रिसेंटली इंडिया ने जो चेंजेस किए हैं लद्दाख और कश्मीर में उन चेंजेस को चाइना एक्सेप्ट नहीं करता और जो बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल किर्गिस्तान तजिकिस्तान उज्बेकिस्तान उन्होंने यहां पर कहा है कि हम फोकस करना चाहते हैं ऑन एंटी टेररिज्म प्राइमरली मैं आपको ये बता दूं कि एस का जो एक सिस्टम है रैट्स मतलब कि रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर इससे काफी फायदा हुआ है सेंट्रल एशियन कंट्रीज को तो ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो कॉपरेशन है ये इन द फ्यूचर बढ़े और कंट्रीज मिलकर काम करें अगेंस्ट कोविड नाइनटीन सो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट एन ऑब्जर्वर मेंबर ऑफ द एस तो यहां पर जो सही आंसर है ये है डी नॉर्थ कोरिया यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है चार ऑब्जर्वर मेंबर ऑफ द अफगानिस्तान बेलारूस ठीक है बेलारूस एक ऑब्जर्वर मेंबर है और रशिया ने बेलारूस का जो इशू है ये भी उठाया था समिट 2020 में तो बाकी जो ऑब्जर्वर कंट्रीज है है, हैं ये है ईरान और मंगोलिया और देखो ऑब्जर्वर के अलावा इनके छह डायलॉग पार्टनर्स भी हैं ये हैं एजरबाइजा आर्मेनिया केम्बोडिया नेपाल जी हाँ नेपाल एक डायलॉग पार्टनर है यहाँ पर उसके अलावा टर्की और श्रीलंका टर्की अगर मान लीजिए एक ऑब्जर्वर मेंबर बनता है कल को और उसके बाद एक फुल फ्लजेड कंट्री बनता है तो टर्की अकेला देश होगा दुनिया में जो नेटो का भी मेंबर है और साथ ही साथ एस का भी मेंबर है हालांकि उसमें काफी टाइम लगेगा मोस्ट प्रॉब्लम इट विल टेक आउट ऑफ टाइम मगर देखिए इवेंचुअली यहाँ पर टर्की भी आ जाएगा तो यहाँ पर तीन देश होंगे जो इंडिया के काफ़ी हद तक अगेंस्ट बोलते हैं टर्की पाकिस्तान और चाइना तो इंडिया को कहीं ना कहीं सोचना होगा कि इस फॉरम में बने रहने से क्या लॉन्ग टर्म में हमको बेनिफिट है या फिर लॉस है सो so, इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं बाय द वे मैं आपको यह बता दूं कि जो पीडी टेन कोड है इट इज नॉट ओनली फॉर यूपीएससी आप बैंक एसएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यूज द कोड पी टेन और सीधा आपके जो रेट है कोर्स के ये टेन परसेंट कम हो जाएंगे और जो पेमेंट है बाय द वे आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं यूपीआई नेट बैंकिंग यू कैन इवन पे इन पार्ट सो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल